मोरेना के इस्लामपुरा में एक मकान में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि मकान भरभराकर गिर गया। आसपास के मकान भी चपेट में आ गए। मलबे में कई लोग दब गए। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। रेस्क्यू टीम ने मलबे से एक महिला को बाहर निकाला। वहीं अभी भी 3 बच्चों समेत 4 लोग दबे होने की आशंका बताई जा रही है। रेस्क्यू के चलते पूरे क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। जिस घर में ये धमाका हुआ वह निरंजन राठौड़ का है। पहले पटाखे बनाते समय विस्फोट की जानकारी सामने आई थी। बाद में पुलिस ने बताया कि घर के अंदर रखे सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। पुलिस का कहना है कि मकान में पटाखे भी रखे थे। सिलेंडर से पटाखे में आग लगी और पूरा मकान गिर गया। इस विस्फोट से आगे पीछे के 2-3 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने बताया कि मकान में टेंट के सामान के साथ पटाखे रखे थे, वहीं गैस सिलेंडर भी रखे थे। मोरेना ब्लास्ट पर SP समीर सौरभ का कहना है कि ब्लास्ट सिलेंडर के फटने से हुआ है। अब तक कोई भी ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं जिसे कहा जा सके कि पटाखे से ब्लास्ट हुआ है। फिर भी मलबा पूरी तरह से साफ कराया जा रहा है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। आगे कोई और अपडेट आता है तो वो आपको खबर विभाग के जरिए पता चल जाएगा।